नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करो। ये px एक बहुपद है, ये gx एक अलग बहुपद है। इस बहुपद को ये gx वाले बहुपद से भाग करना है। तो जैसे आप यही हम आज बहुपदों की भाग इसमें सीखेंगे, इसको ध्यान से समझना आप। सबसे पहला काम यह है कि हमें यह देखना होता है कि क्या ये x की घातों के हिसाब से अवरोही क्रम में है। समझने का मतलब सिर्फ ये है कि x की जो सबसे बड़ी पावर है 3, उसके नीचे है 2, उससे बाद है 1, उसके बाद है x की पावर 0। इसके साथ कुछ नहीं है, यानी x की पावर 0। तो ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि x की पावर 2 पहले लिखी हो, x की पावर 3 बाद में लिखी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े से छोटे में ही जानी चाहिए x की पावर। तो ऐसा इसमें दिख रहा है, तो इसे हम साफ साफ यहां लिखेंगे x³ - 3x² + 5x - 3। x² - 2 से भाग करना है। इसमें भी ये देखना है कि x की सबसे बड़ी पावर पहले होनी चाहिए, उससे छोटी उसके बाद में, और सबसे छोटी सबसे बाद में। ये ऐसे ही दिया हुआ है x² - 2, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं। ये रफ वर्क के लिए मैंने कुछ जगह छोड़ी है। अब सबसे पहला जो काम है, जैसे हम भाग में करते हैं, सबसे पहले नंबर को इसे भाग करते हैं। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना आप इस बात को। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पहला पद ले लेना है, वो है x³। इसको भाग कर देना है। जो आपका भाजक है उसमें सबसे बड़ा पद, x की सबसे बड़ी घात x² पूरा क्या है, x² से भाग कर दो। तो 2x से कट जाएंगे, ऊपर 1x बच जाएगा। ठीक है, ऊपर x गुना x है, नीचे x गुना x है। 2x से 2x कट जाएंगे, 1x बच जाएगा। ये 1x आपने यहां लिख देना है। बच्चों ध्यान से देखो, पहले पद को पहले पद से भाग किया, x³ को x² से, बाकी जो है वो बाद में देखा जाएगा। पहले पद को पहले पद से भाग किया, जो उत्तर आए वो यहां लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ध्यान से समझिएगा इस बात को भी, कि इस x को पहले पहले नंबर से फिर दूसरे नंबर से गुना करना है। ठीक है, इस x को जब x² से गुना करेंगे तो x² और x³ ये बन जाएगा x³। तो ये x³ के नीचे लिख देना है। आगे x को जब -2 से गुना करेंगे तो आएगा -2x। इसको यहां नहीं लिखना, क्योंकि यह है x², ये हमारे पास आया है 2x, तो x वाली रकम के नीचे लिखना है -2x। इस बात को ध्यान से समझना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। x को जब -2 से गुना करा तो हमारे पास आया -2x, लेकिन उसको यहां नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो x² वाली लाइन थी। x वाली लाइन ये है, तो x वाली रकम को x वाली रकम के नीचे लिख दिया है। अब जैसे भाग में माइनस करते हैं, इसमें भी माइनस करना है, लेकिन इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, और वो ये कि जो नीचे वाली रो है, अब आप देखिए कि इस x³ के साथ यदि कोई निशान नहीं है तो कौन सा निशान है, प्लस का। अब एक जो इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, वो ये है कि हमने नीचे वाली रो के साइन बदल देने हैं। याद रखना बच्चों, हमेशा इस वाली भाग में, पॉलिनोमियल्स की, बहुपदों की भाग में, हमने नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देने हैं। जैसे ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो अभी हो जाएगा माइनस। ये जरूर करना है, इसको भूलना नहीं है। अब x³, अब इस प्लस को भूल जाना है, अब इस x³ के साथ माइनस का निशान है, ये प्लस खत्म हो गया। तो x³ - x³ ये हो गया 0। ठीक है, अदर वर्ड्स में x³ से x³ कट गया, बाकी रह गया 0। तो 0 को नहीं लिखना। बाकी क्या उतारा यहां से देखो, ऊपर से नीचे, यहां से उतरा -3x². अब आगे देखो, ये है प्लस, अब यहां माइनस नहीं है, अब यहां है प्लस। तो प्लस प्लस प्लस, 5 और 2 7x, साथ में साइन बड़ी रकम का, प्लस ऊपर से उतारा -3। साइन हमेशा नीचे वालों का ही बदलने हैं। अब फिर से हम पहले वाले स्टेप को रिपीट करेंगे। पहला स्टेप क्या था, इसका पहला पद, इस पूरे में जो पहला पद है -3x², इसको भाग करना है इसके पहले पद से, जो कि है x². तो बड़े साफ हमें यहां दिखाई दे सकता है कि x² से x² कट जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास -3।
ये माइनस तीन हम लिख देंगे यहां पे माइनस तीन, ठीक है। अब ये माइनस तीन इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, तो माइनस तीन जब एक्स स्क्वेयर से गुना होगा तो ये बन जाएगा माइनस तीन एक्स स्क्वेयर, माइनस तीन अब माइनस दो से गुना होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस तीन दुनी छ। अब छह यहां नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक्स वाली रकम है, छह लिखेंगे यहां पर और इसके साथ माइनस इंटू माइनस प्लस का निशान आएगा। अब आगे चलें, या कुछ रह गया? रह गया, क्या रह गया? नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करने रह गए, तो ये माइनस का बन गया प्लस और ये प्लस का बन गया माइनस, ये जरूरी है। अब फिर से तीन एक्स स्क्वेयर माइनस तीन एक्स स्क्वेयर प्लस तीन एक्स स्क्वेयर, ये आपस में कट जाएंगे, ऊपर से बच गया प्लस सेवन एक्स और यहां देखिए माइनस माइनस प्लस छ और तीन नौ, साथ में साइन बड़ी रकम का सेवन एक्स माइनस नाइन। अब ये जो एक्स है इसकी घात है एक, जो भाजक है उसकी घात है दो, ये जब जब शेषफल भाजक से छोटा हो जाए तो भाग खत्म हो जाती है, तो ये भाग यहां पर खत्म हो गई, ये भाग यहां पर खत्म हो गई है। अब हमें दो चीजें निकालनी है इसमें, भागफल और शेषफल। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, भागफल होता है भाग करके क्या आया वो है एक्स माइनस थ्री, शेषफल है जो शेष बचा वो है सेवन एक्स माइनस नाइन। ये भाग करने का एक तरीका है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आएगा। आइए इसका एक और भाग देख लेते हैं। हमारे पास पी एक्स है एक्स की पावर चार माइनस तीन एक्स स्क्वेयर प्लस चार एक्स प्लस पांच, ठीक है। तो पी एक्स तो ठीक है लेकिन जी एक्स को ध्यान से देखना, यह एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स। मैंने क्या समझाया था कि एक्स स्क्वेयर उसके बाद एक्स की जो घात है बड़ी से छोटी की तरफ जानी चाहिए, लेकिन यह वन पहले आ गया एक्स बाद में, इसको ठीक करके लिख लो पहले एक्स स्क्वेयर, ये माइनस एक्स को पहले ले आएंगे माइनस एक्स और बिना एक्स वाली रकम को बाद में ले जाएंगे। अब ये ठीक है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, हमने इसको चेंज जरूर करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको भाग करके देखेंगे, अंदर है एक्स की पावर चार माइनस तीन एक्स स्क्वेयर प्लस चार एक्स प्लस पांच और यहां पर हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चों। अब रफ काम के लिए पहले से ही हम एक मार्क लगा लेते हैं, रफ के लिए जगह रख लेते हैं जहां पे हमें रफ वर्क करना है, ये रफ वर्क है, ठीक है। अब सबसे पहला जो स्टेप था याद कर लो, सबसे पहला स्टेप था इसका पहला पद इसको भाग कर दो इसके पहले पद से, तो x की पावर चार को x की पावर दो से भाग करेंगे तो बाकी बच जाएगा x की पावर दो, यानी दो एक्स से कट जाएंगे और दो एक्स बच जाएंगे यानी x की पावर दो बच जाएगी, तो ये x की पावर दो आ गया यहां। अब क्या कहा था, ये एक्स स्क्वेयर इससे यहां जितनी भी टर्म्स है उन सबसे गुना होगा, एक्स स्क्वेयर इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा। बच्चों एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, ध्यान से देखना जरा, मैं थोड़ा जूम भी कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वेयर को जब एक्स स्क्वेयर से गुना करेंगे बेस सेम है, पावरें प्लस हो जाती हैं, एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से गुना किया तो ये आ गया एक्स की पावर चार। उसके बाद है माइनस एक्स गुना एक्स स्क्वेयर, ध्यान से देखना एक्स गुना एक्स स्क्वेयर, बेस सेम है, पावरें प्लस हो जाएंगी इसकी, वन प्लस टू हो गया थ्री, ये बन गया एक्स क्यूब, यानी एक्स स्क्वेयर को एक्स से गुना करके आया एक्स की पावर तीन। लेकिन यहां x की पावर तीन है ही नहीं तो मैं किसके नीचे लिखूं, तो मैं इसको यहां लिखूंगा, यहां अलग से, क्यों अलग से, क्योंकि ये तो एक्स स्क्वेयर है, मुझे x की पावर तीन लिखनी है, वो है ही नहीं रकम, तो इसको यहां अलग से लिख दूंगा x की पावर तीन, बस ये स्टेप है ध्यान से देख लेना। उसके बाद प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स स्क्वेयर, अब लगा दो इसके नीचे लाइन। अब अगला स्टेप क्या है बच्चों, याद है इसका साइन चेंज करना है, ये प्लस का है ये माइनस हो गया, इसके साथ कोई निशान नहीं है यानी ये प्लस का है ये भी माइनस हो गया और ये माइनस है ये प्लस का हो गया। अब ध्यान से देखना एक्स फोर से एक्स फोर, ये एक्स फोर प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस में कट गए, ये है माइनस माइनस प्लस
तीन और एक चार एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस चार एक्स प्लस पांच एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब एक्स की पावर तीन एक्स की पावर दो से बड़ी होती है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, ध्यान दे लेना। एक्स की पावर तीन है ना, सबसे बड़ी पावर है, इसको यहां नहीं लिखना, इसको सबसे पहले ले आओ, तो एक्स की पावर तीन यहां आ जाएगा। इसके साथ प्लस था तो ये प्लस रहा, और चार भी प्लस का है तो प्लस रहा। सॉरी, एक गलती हमने कर दी, यहां पे ये माइनस माइनस प्लस, तीन और एक चार आया था, साइन यहां पे माइनस का आना था, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास। अब फिर से वही काम, पहला पद है एक्स क्यूब, इसको भाग कर दो इसके पहले पद से, एक्स स्क्वेयर से। नीचे ऊपर दो तीन एक्स है, नीचे दो एक्स है, दो से दो कट जाएंगे, एक एक्स बच जाएगा, यानी एक्स बच गया। ये एक्स कहां लिखेंगे हम, ऊपर, प्लस एक्स। अब इस एक्स को इन तीनों से गुना कर दो, इस एक्स को इन तीनों से गुना कर दो। एक्स को जब एक्स स्क्वेयर से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद प्लस इंटू प्लस प्लस, एक्स इंटू वन एक्स प्लस वन एक्स, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो वन एक्स, ठीक है, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो वन है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, इसके साथ कोई निशान नहीं है तो प्लस है, सबके साइन चेंज होंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब, ये इसलिए करते कि ये साइन कट जाए, हमेशा पहली एक रकम जरूर कटेगी हर स्टेप पे। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कट गया जीरो। अब यहां देखो क्या बना, ये बना माइनस प्लस माइनस, चार में से एक माइनस करा तो आ गया तीन एक्स स्क्वेयर, साथ में साइन बड़ी रकम का माइनस। आगे देखो प्लस माइनस माइनस, चार में से एक माइनस किया तीन एक्स, साथ में बड़ी रकम का साइन प्लस, ऊपर से उतारा प्लस पांच। फिर से अब पहला स्टेप, पहला पद है माइनस तीन एक्स स्क्वेयर, इसको भाग करेंगे पहले पद से एक्स स्क्वेयर से, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा माइनस तीन। ये माइनस तीन कहां आएगा, यहां पर आएगा माइनस तीन। अब क्या करेंगे, इस माइनस तीन को इन तीनों से गुना करेंगे, तीन को एक्स स्क्वेयर से गुना, माइनस तीन को एक्स स्क्वेयर से गुना किया तो आ गया माइनस तीन एक्स स्क्वेयर। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, तीन इंटू एक्स हो गया तीन एक्स। उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस, तीन एकम तीन, साथ में साइन प्लस इंटू माइनस माइनस का। अब अगला स्टेप क्या है, सबके साइन चेंज, सबके साइन चेंज। ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। देखिए तीन एक्स स्क्वेयर से माइनस तीन एक्स स्क्वेयर से प्लस तीन एक्स स्क्वेयर कट गया, प्लस तीन एक्स है माइनस तीन एक्स, ये भी कट गया, यहां बच गया प्लस पांच प्लस तीन, प्लस पांच और प्लस तीन होगा प्लस आठ। अब आगे कुछ उतारने को बचा नहीं तो ये हमारा शेषफल आ गया। अब हमें यहाँ पे दो तीन चीजें निकालनी थी, दो चीजें निकालनी है, सबसे पहले है भागफल, दूसरी है शेषफल, ठीक है बच्चों। तो भागफल सबसे ऊपर देखिए ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस तीन, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस तीन, और शेषफल ये आखिर में हमारे पास बचा है आठ, तो यही हमारा उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये भाग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ना समझ आए तो वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा देखिएगा, लेकिन इसको अच्छे से समझ कर ही आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।